जिस दिन दी आम आदमी पार्टी दी सरकार बनी है उस दिन दे ही विरोधी पार्टी वालों किसी ना किसी विषय जा काम उत्ते सवाल चुके जा रहे ने। इस तरह ही कपूरथला तो बीबी ने आप ते भाजपा सरकार ते सवाल चुके ने। बीबी जंगीर कौर वालों आप अते केंद्रीय सरकार ते सवाल चुके जा रहे ने। उन्होंने कहा कि जेड़ी भी सरकार बनती है वह लोगों दीयां लोड़ां नूं पूरा करे ते साडियां सारियां सरकारां दा फर्ज है कि देश दी सेवा करे। उन्होंने यह भी कहा कि जो डिस्पेंसरियां बंद पईयां ने उन्हां नूं खोलना चाहिए। केंद्र आयुष्मान कार्ड ते इलाज बंद होने ते बीबी जंगीर कौर वालों इस दिन निखेधी की गई है ते उन्होंने धार्मिक स्थानां ते कमरियां उपर GST लगाउण ते भी नाराजगी जताई है। बीबी जंगीर कौर ने होर की कहा आओ वेखदे आं। देखो कोई भी सरकार जिहड़ी है वह लोगों दीयां लोड़ां नूं असलियत तौर ते नहीं समझदी। हैल्थ पक्ष तो देश के लोगों की सेवा करनी साडा सारियां सरकारां दा फर्ज बनता है, स्टेट की सरकार का भी ते देश की सरकार का भी। पिछे जिहड़ा इन्होंने कहा सीगा कि असी बनावांगे कार्ड आयुष्मान कार्ड बनाए और बहुत थोड़ी चिर चली मेरा ख्याल 5-6 महीने दे बंद पए। जे वह बंद पए है तो अज जदों इन्होंने बजट बनाया सी सरकार ने और सरकार ने सरकार बनाने तो पहला किया सी कि असी सारिया सेहत सेवावां जिहड़ियां घर घर पहुँचावांगे। ये 6 महीने का बंद पिया इन्हों सरकार 5 महीने हुए है तो जे इन्होंने बजट बनाया सीगा तो वो इन्होंने महला क्लीनिक जो कहते असी कर लगे हैं पहला चंगा हुंदा कि उन्हों का वो कोई ऐसी इलाज वास्ते सहूलत दे देंगे जिहड़ी कोई परेशानी आए सी वो कर लेंगे। देखो सब तो पहला तो जरूरत सी सेहत सेवावान की कि जेडे अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हस्पताल है उन्होंने मजबूत कर दे, उन्होंने बकायदा जड़िया उन्होंने लोड़ा सी बैड की लोड़ है, दवाइया की लोड़ है, डॉक्टर की लोड़ है, उत्थे जड़िया जड़िया मशीन की लोड़ है, एक्सरे मशीन की लोड़ है, जो भी उत्थे घाटा सन पहला सरकार का फर्ज सी उन्होंने हस्पतालों में घाटा पूरी कर दे और उन्होंने घाटा पूरी करके तो हस्पताल मजबूत कर दे। डिस्पेंसरियां बनिया हुई बंद पईयां हुई जी उत्थे कमियां उन्होंने ठीक करो। जे PHC बने है प्राइमरी हैल्थ सेंटर है, CHC है, कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर है, सब डिवीजनल हस्पताल है, एडिया बिल्डिंगा बनिया हुई अरबा रुपयों दी, जे अरबा रुपयों दी बिल्डिंगा नूं बंद करके सारिया सहूलत बंद करके सारिया उन्हां दीयां जिहड़ियां डॉक्टर्स की कमी नूं ना पूरा करना ये असी नलैकी जे करांगे तो मैं समझदी हाँ कि महला क्लीनिक जिहड़े खोलणगे उहदे विच होएगा की। पहला तो वड्डी गलती की कि सेवा केंद्र बंद करते, सेवा केंद्र लोगों नूं बहुत सहूलत दे रहे सी, अज भी पुछो लोग इस करके दुखी है कि जिहड़े साडे छोटे मोटे काम हुंदे सन कोई डैथ सर्टिफिकेट लैणा सी, बर्थ सर्टिफिकेट लैणा सी, ड्राइविंग लाइसेंस बनाउणा सी जां कोई छोटियां मोटियां उन्हां दी रोज़मर्रा दी जिंदगी दे काम सी उत्थे लोकी घर बैठे ही करवा लैंदे सी। हुण इन्हां ने सेवा केंद्र बंद के करके उन्हां दी थावां दे उत्ते होर कहिंदे 20-20 लाख रुपया खर्चिया जदों कि सेवा केंद्र ऑलरेडी बहुत सुंदर बने हुए सी ते उहदे च पता नहीं करोड़ों का घपला भी होए गए, करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। इन्हां नूं उहदे च की करनगे, किन्नियां कु सहूलतां उत्थे होणगियां? अक्सर फिर भी उत्थों छोटा मोटा चैकअप करा के देख के छोटे टैसट करके अखीर हस्पताल वड्डियां च जाना पैणा जिथे वड्डे वड्डियां मशीन होणगियां, जिथे कैमरे होणगे, जिथे ICU दे विच जिहड़े काम करने पैंदे है, MRI करना पैंदा, कोई स्कैनिंग करनी पैंदी है, हस्पताल ने ते फिर लोड़ है वड्डियां दी। जे हस्पताल ही अजे खाली है, जे हस्पतालां च नुकसान है, जे हस्पताल च डॉक्टर नहीं, जे उत्थे कोई सहूलत नहीं, तां इत्थे महला क्लीनिक जिहड़े है उहनां विच असीं किन्ना कु इलाज कर सकदे हां? सो इन्ना झूठा प्रचार करी जाना, लोगों को गुमराह करी जाना, तो सगों उल्टा जेडे हस्पतालों जाते हैं करने वास्ते इंस्पैक्शन, चंगी गल इंस्पैक्शन करनी चाहिए है। इंस्पैक्शन ये होनी चाहिए है कि जाके CMO ना मीटिंग करो, मैडिकल सुपरटेंडेंट ना मीटिंग करो कि बेटा हस्पतालों का की हाल है, विजिट करके आए हैं और तो उन्होंने लोड़ा जिहड़ियां पुछो, लोड़ा लिया के डिस्कस करो और पहला लोड़ा पूरियां करो, उन्होंने कमियां जिहड़ियां ने उन्होंने पूरियां करो ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਦੂਤ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
और हस्पताल जाके मालिक बन के जाए, मंत्री मालिक बन के जाए, वो जिम्मेवारी होंगी है कि असी जाके उसे नुक्स जरा पिया हो क्ढीए सगा, वरना इस वे तो इदा के हालात बने पे है, कोई पोस्ट नहीं वेखता वड्डा, वड्डी पोस्ट से देखो जिस तरह वाइस चांसलर वर्गिया का की हालात किए इन्होंने, जो हालात बने है अज भावें देखो वो ड्यूटी नहीं सी उत्थे, वो कड़सी सेक उत्थे आ गए होणगे, उहदी उत्थे ड्यूटी सी मैडिकल सुपरडेंट की, उत्थे ड्यूटी सी सीएमओ की, उन्होंने पुछदे कि तुहाडे हस्पताल का यह हाल है, उन्होंने को कमी पुछदे भी कि कमी है, क्यों नहीं सब कुछ किया गया। सो ये सारिया चीज़ा जड़िया अज बड़ा ना तो धरती से जुड़ रहे हैं, ना ही अपने मुलाजमान का दुख सुन रहे हैं, ना मुलाजमान पुछते हैं भी तुम क्यों इन कमियां लैके बैठे हो, कारण की है। तो जे पिछली सरकार ने नहीं किया फिर कहेंगे 70 साल का नहीं कुछ होया, 70 साल का नहीं होया, हुण इहदा तुसीं एकदम करना तो फिर अपना करके दसो ना, 70 साल तो 5 साल पहलों का की हालात सीगे वह भी दुनिया को पता है, 5 साल बाद हालात बने वह भी लोगों को पता है। सो चलो छड्डो, खैर ये गल्लां नूं तो मैं बहुतियां ये गल्लां नहीं करती, जे उन्होंने कमियां छड्डियां होणगियां तो तुसीं लोगों ने 92 सीटां दे के जिताए तुहाडे विश्वास करके, तुहाडे झूठ से लोगों ने विश्वास कर लिया, एक मौका दिओ असीं आह कर देंगे, अलादीन का दीवा जगा देंगे असीं फड़ के। सो जे तुहानूं लगता कि कमियां हैगियां ने, पहलां कुछ पूरियां करो, लोग भर्ती करो, डॉक्टर भर्ती करो, वे तो ये हालात बन गए हैं कि मैडिकल सुपरडेंट अस्तीफे दे जाते, प्रिंसीपल कॉलेजों के मैडिकल कॉलेज के अस्तीफे दे जाते हैं, डॉक्टर अस्तीफे दे जाते हैं, घर बैठ जाएंगे, अगे स्टाफ खाली, अगे तो स्टाफ खाली पे, साडा सब यूनिट हस्पताल है तो 16 डॉक्टर से 15 डॉक्टर जो असीं बनाया सी, अज मेरा नहीं ख्याल कोई 6-7 डॉक्टर हो, कोई तो रह के राजी नहीं हस्पताल, कोई उत्थे आईसीयू दे विच काम करन नूं तैयार नहीं, जदों कोई चलाना ही नहीं कुछ भी, कोई मशीन नहीं चलानी, तो लोगों को सहूलत की मिलेगी, जिहड़े असीं जिहड़ियां बिल्डिंगां बनाईआं उहदे विच समान चाहिए, उत्थे मटीरियल रखना चाहिए। सो मैं समझदी हाँ कि साडी बदकिस्मती है पंजाब वालियां दी, कि जिहड़ी भी पार्टी उठदी है झूठे वादे कर करके लोगों नूं कदी सौहां खा खा के जां इस तरह सरकारां बणाउंदी है, तो मैं समझदी धोखा देना सब तो वड्डा पाप। सो ये धोखे दे नाल सरकार बन गई है, गुमराह कोण प्रचार हो गया, लोग अज पछताउंदे आ, वाहिगुरु कृपा करे, चलो इन्हां नूं समत देवे ते इह लोकां दी लोड़ां नूं समझ सकण। देखो गुरु घरां दी सेवा जिहड़ी है वह संगत दे सिर ते चलदी है, गुरु का सिख अपना दसवंध कढ के अपनी नेक कमाई दे विच्चों उत्थे मत्था टेकदा, और यह सोचदा कि उत्थे धर्म का प्रचार होवे, उत्थे आई संगत नूं रहण वास्ते कमरा मिल जावे, उत्थे उन्होंने कुछ सहूलत ऐसा मिल जाए जिहदे नाल उन्हां दा रहना जिहड़ा सौखा हो जाए, बाहर होटलों में धक्के ना खाने पैन, दूर दुराडे ना जाना पवे, रात नूं हनेरा हो जाता वापस नहीं जाया जाता, वो फिर उत्थे कोशिश करते हैं कि असीं उत्थे रुक जाइए, नाले अमृत वेले का आनंद लैना हुंदा, कोई ने 2 दिन कीर्तन सुनना हुंदा, हर एक दे मन में श्रद्धा हुंदी है। जिहड़ा इन्होंने कल GST के संबंध में किया कि जिहड़े बाउंडरी दे विच बिल्डिंगां होणगियां उन्हां नूं ते GST नहीं, जिहड़ियां बाउंडरी तो बाहर होणगियां उन्हां दे उत्ते GST 12% लगेगा, जिहड़ा बड़ा ही घिनौना जिहा ने फैसला किया, गलत फैसला किया। इहनूं समझ लैणा चाहीदा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वह हमेशा अपनी जगह दे विच ही बनाउंदी है, बाउंडरी विच ही बनाउंदी है, जे मन लो कि बाउंडरी विच जगह घट गई है, बाहर साडी नाल ही साडी जगह होएगी, असीं उत्थे बनावांगे, इस दे संगत दी सहूलत वास्ते बनाने आ। गुरद्वारा साहब के नाल लगती सारा गढ़ी सराब बनी है, बिल्कुल गुरद्वारा संतोख सर साहब गुरद्वारा साहब के नाल लगती है, उस कंपलैक्स में है, भाई गुरदास हाल साडा उत्थे बनिया होया, कंपलैक्स अपना। सो जिहड़े भी गुरद्वारे होणगे उन्हां नाल लगदियां जगह दे विच सानूं बनाउणियां पैंदियां, खुले थां दे उत्ते बन जाण तां जो संगतां नूं कोई मुश्किल ना आ सके, संगतां दे विच बहुता रश ना उत्ते पै सके, गुरु घर दे विच इन्नियां समाउणियां बहुत औखियां होंदियां। सो मैं समझदी हां कि इह संगत दा श्रद्धा दा पैसा जिहड़ा गुरु घर दे प्रचार वास्ते, गुरु घर दे मेनटेनेंस वास्ते, जां उत्थे दी बिल्डिंगां दी मेनटेनेंस वास्ते हुंदा, बहुत थोड़ी सेवा, मिनीमम सेवा जिहड़ी उह लाई जांदी है, जिहड़ा श्रद्धालु हुंदा बहुत थोड़ी सेवा देख उत्थे रह सकदा, उहनूं कोई मुश्किल नहीं आती, ना ही श्रद्धा नाल रहिंदा, सराम विच हमेशा ही श्रद्धा नाल रहिंदी संगत, क्योंकि उहदे मन च हुंदा कि इत्थे कोई कोई ऐसी गलत आवाज़ नहीं पैंदी, संगतां आउंदियां ने प्यार श्रद्धा नाल सारियां उत्थे रहिंदियां ने। सो मैं समझदी हाँ कि सरकार का बहुत माड़ा फैसला, गलत फैसला, इन्हां ने हमेशा ही ये जिहड़ा सानूं हरासमेंट पाई है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, तुरंत फैसला वापस लैना चाहिए,
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਆਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਦਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਜ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।